सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी ने पाठ 8 एवरेस्ट की चुनौती कर ली है। इस पाठ के ऊपर जो आपने वीडियो देखा उससे भी आपको स्पष्ट हो गया होगा कि एवरेस्ट की यात्रा करना कितना दुष्कर कार्य है। पहाड़ों पर चढ़ाई करते समय हमें कई सारे सामान की आवश्यकता होती है, मार्ग में कई सारी बाधाएं आती हैं। लेकिन हमने यह भी सीखा कि अगर लक्ष्य मनुष्य साध ले तो उसके मार्ग में कोई भी विपदा खड़ी नहीं रह पाती है। अगर हम ठान ले कि हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो हम चांद पर भी पहुंच जाते हैं। आपके लिए यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्यारे बच्चों, मैंने एक पंक्ति भी आपके लिए आपको सुनाई थी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। जब मैं कक्षा 4 में थी तब मैंने यह कविता पढ़ी थी और तभी से यह कविता मुझे बहुत पसंद है कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। पहाड़ का मतलब हुआ संकट, पहाड़ मतलब चढ़ने वाला पहाड़ नहीं, बने पहाड़ जैसा संकट भी अगर सामने हो और आपके मन में लक्ष्य को साधने की शक्ति हो तो आपको वह कभी भी विचलित नहीं कर सकती है। बच्चों, आपने अर्जुन की कहानी पढ़ी है कि अर्जुन के गुरु, नाम आपको पता है कौन थे अर्जुन के गुरु? गुरु द्रोणाचार्य। और अर्जुन कौन थे? पांडव के पुत्र। महाभारत अभी अभी आपने देखा होगा, पांडव कौरव भाई थे, 100 पुत्र थे कौरव और 5 भाई थे पांडव। उनमें से अर्जुन सबसे बड़े तीरंदाज थे। इनके गुरु थे गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने इन लोगों को तीरंदाजी सिखाने के लिए उनकी एक छोटी सी परीक्षा ली। पेड़ पर एक चिड़िया, नकली चिड़िया को बैठा दी और 5 पांडवों से बारी बारी से पूछे कि अच्छा बताओ तुमको क्या पेड़ के ऊपर दिख रहा है। अर्जुन को छोड़कर के जो से 4 भाई थे, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिख रही है, किसी ने कहा मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा मुझे पेड़ की डाली दिख रही है, किसी ने कहा पत्ता दिख रहा है। अलग अलग सबने उत्तर दिया। गुरु द्रोणाचार्य ने किसी को नहीं कहा कि तुम तीर चलाओ। जब अर्जुन से पूछा गया कि तुमको क्या दिख रहा है तो अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है, पूरी की पूरी चिड़िया नहीं, चिड़िया की आंख, अर्थात अपना लक्ष्य कि मुझे तीर कहाँ चलाना है। तो बच्चों, हमारे लिए भी यह महत्वपूर्ण होना चाहिए कि हमारे जीवन का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए कि हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं और समय का किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहते हैं। आपने समय पाठ भी पढ़ा कि कितना भी हम प्रयत्न करें पर समय कभी नहीं रुका है। समय का के लिए प्यारा कौन है? जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। तो बच्चों, ये जितने भी पाठ है हमें हर दिन कोई न कोई बड़ी सीख देते हैं और हमें उन सीखों को समझने के लिए भी कहते हैं कि हम दूसरे की कहानियों से, दूसरे की घटनाओं से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में उसको किस प्रकार में हम कार्यान्वित करेंगे और किस तरह से हम लाभान्वित होंगे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का प्रश्नोत्तर करते हैं। बच्चों, इस पाठ का पहला प्रश्न है, संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को किस किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर अब तक आपको याद हो गया होगा। संसार के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर को एवरेस्ट, चोंगलुंगमा और सगरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी?
इसका उत्तर आपको पुस्तक में यहां से मिलेगा और अपने शब्दों में भी आप उत्तर लिख सकते हैं कि लेखक की बूट से ऑक्सीजन की नली में छेद हो गया था जिसके कारण से ऑक्सीजन निकल रही थी और लेखक को सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। यहां देखिए बच्चों पृष्ठ संख्या 49 में मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया था। यह छेद बूटों की कील से हुआ था। तो बच्चों अपने शब्दों में आपको उत्तर लिखना है कि लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी, क्योंकि ऑक्सीजन ले जाने वाले सिलेंडर में लेखक के बूटों से छेद होने लगा था जिसके कारण लेखक को सांस लेने में कठिनाई होने लगी। हिलेरी की चिमनी लेखक के लिए चिंता का विषय क्यों थी? तो ये भी आपके पुस्तक में है कि हिलेरी की चिमनी चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। पृष्ठ संख्या 50 में है। आप केवल सहायता लीजिएगा, पूरा पुस्तक से नहीं उतार लेना है। हिलेरी की चिमनी चट्टान और बर्फ के ढेर के बीच 13 मीटर ऊंची खड़ी है। चट्टान पर हाथ या पैर जमाने की कोई जगह नहीं है और बहुत ज्यादा चिकनी होने के कारण यह बहुत बड़ी समस्या है। तो इस पाठ का यही उत्तर है, इस प्रश्न का यही उत्तर है। लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? ठीक है बच्चों, इसका उत्तर देखिए। पहाड़ी का यह टुकड़ा खत्म होने में ही नहीं आ रहा था और हमारा संघर्ष अधिक कठिन होता जा रहा था। सांस लेना पहले से भी अधिक मुश्किल हो गया था। मैं गहरी सांस लेने की कोशिश करता लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती। चढ़ाई क्या कभी खत्म नहीं होगी? अब हर कदम बहुत ही थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे। बच्चों प्रश्न क्या है कि लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते लेखक को क्यों लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी? कारण ये था कि सांस लेना पहले से अधिक मुश्किल हो गया था। लेखक बार बार सांस लेने की कोशिश करते थे लेकिन वह हिचकी बनकर टूट जाती थी। हर कदम थका देने वाला साबित हो रहा था। बर्फ और चट्टानों के टुकड़े एक के बाद एक आते जा रहे थे इसलिए लेखक को लगा कि चढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। इस तरह से आप ध्यान से समझ लीजिए उत्तर लिखना है। एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर उन्होंने क्या क्या देखा? जब लेखक और उनके साथी एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा? अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां, धुंध में तैरता थ्यांग बोचे मठ, दक्षिण की ओर भारत का मैदान, रंगबुक ग्लेशियर। एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर लेखक और उनके साथियों ने क्या देखा? अन्य दलों के झंडे तथा निशानियां, दक्षिण की ओर भारत का मैदान, धुंध में तैरता थ्यांगबोचे मठ, तिब्बत का रंगबुक ग्लेशियर। बच्चों ये सारी चीजें उन्होंने जब ये एवरेस्ट शिखर पर चढ़ गए तो उन्होंने देखा। प्रश्न संख्या 6, कैंप 4 के तंबू एक पात में लगाए गए थे क्योंकि स्थानाभाव था। स्थानाभाव अर्थात स्थान का अभाव। एवरेस्ट का शिखर ऐसे लग रहा था मानो एक छोटी सफेद घुमावदार मेहराब सी हो। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर सभी प्रसन्न थे क्योंकि
क्यों सब प्रसन्न थे? क्योंकि संसार के सर्वोच्च पर्वत शिखर पर पहुंचकर उन्हें गर्व का अनुभव हो रहा था। तो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक का हो गया उत्तर। अब अनुमान कल्पना आप सभी ने कर लिया है। भाषा की बात के प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ऊंचाई, चढ़ाई, कुशलता, प्रसन्नता, कठिनाई, निराशा, गर्व, सहायता, ये किसके उदाहरण है? ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। भाववाचक अर्थात मन के अंदर उठने वाले भाव, ऊंचाई, चढ़ाई, कुशलता, प्रसन्नता, कठिनाई, निराशा, गर्व, सहायता आदि। तो पुस्तक में लिखिएगा, पाठ में आए यह शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। और आपको ऐसे ही कोई अन्य 3 शब्द अपने पुस्तक से ढूंढकर लिखना है। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए युग्म शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। युग्म अर्थात जोड़े वाले शब्द, एक साथ जोड़े वाले जो शब्द हैं। तो वाक्य प्रयोग बच्चों ये आपके लिए गृह कार्य है, ये आपने गृह कार्य पुस्तिका में कीजिएगा। आपको क्या क्या करना है? आपको प्रश्न संख्या 1 से 5 अपने उत्तर पुस्तिका में करना है, बाकी पुस्तक में करना है। भाषा की बात प्रश्न संख्या 1 पुस्तक में, प्रश्न संख्या 2 उत्तर पुस्तिका में, प्रश्न संख्या 3 यह भी उत्तर पुस्तिका में ही करना है। उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग करके लिखिए। उपसर्ग आपने पढ़ा है बच्चों ना, कि जो शब्दांश किसी शब्द के आगे लगते हैं और नया शब्द बनाते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। प्रमुख, प्रजोड़ मुख। निराशा, निर, ध्यान दीजिए बच्चों, निर, र के नीचे हल्का चिन्ह है, निर जोड़ आशा। और इस र में ये अ जब मिल गया, और मतलब आ मिल गया, तो ये मात्रा बन गई और र हो गया पूरा। निर जोड़ आशा, निराशा, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। सतर्क, स जोड़ तर्क। उपयोग, उपजोर योग। अज्ञात, अजोर ज्ञात। जीवन मूल्य के प्रश्न, संसार को इस छत पर खड़े होकर और अपने नीचे मीलों दूर तक देखते हुए मेरे मन में जो भावनाएं उठी उनमें सबसे प्रमुख भावना विनय की थी। कौन सी भावना लेखक के मन में उत्पन्न हुई? विनय की। किसके लिए उनके मन में यह विनय की भावना उत्पन्न हुई? ईश्वर के प्रति। क्योंकि हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे काम को पूरा करने में हमारी सहायता की। एवरेस्ट की चोटी पर खड़े होकर लेखक को किस जीवन मूल्य का ख्याल आया और क्यों आया? तो बच्चों देखिए, यही है जीवन मूल्य, कि उनके मन में क्या भावनाएं उठ रही थी? विनय की भावना, कि किस प्रकार से मार्ग में अनेकों बाधाओं को पार करते हुए अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो ये लेखक के जीवन में यह जीवन मूल्य आया और क्यों आया, तो आप इसका उत्तर अब आप अपने से सोचिएगा कि क्यों आया। लेखक की एवरेस्ट यात्रा पढ़कर हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बच्चों मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हमें क्या प्रेरणा मिलती है। इसके अलावा अगर आपके मन में और विचार आ रहे हो तो अपनी ओर से भी लिखिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 1, संसार की 5 ऊंची चोटियों के नाम खोजिए। अब इन्हें इनकी ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में दी गई तालिका में लिखिए। सबसे ऊंची चोटी लिख दीजिएगा, एवरेस्ट कहाँ स्थित है, पुस्तक में है, ऊंचाई कितनी है। बच्चों संसार की 5 ऊंची चोटियों का नाम लिखिएगा। एवरेस्ट लिखने के बाद मैं आपको उदाहरण के लिए बता दे रही हूँ, कंचनजंघा, मकालू, इंडीज, आल्प्स, आप
पांच मतलब चार और आपको लिखना है और कहाँ स्थित है और उनकी ऊंचाई के क्रम में। तो सबसे ऊंचा तो एवरेस्ट शिखर है, उसके उससे बाकी सारे शिखर छोटे हैं, तो आप उसी क्रम में सजाकर लिखिएगा और कौन कहाँ स्थित है। इस प्रश्न को आप अपने पुस्तक में कीजिएगा। प्रश्न संख्या दो, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने के लिए जिस जिस सामान की आवश्यकता होती है उसकी एक सूची बनाइए। बच्चों आपने वीडियो में भी देखा था कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने के लिए लोग अपने पीठ पर क्या लिए हुए थे, किस तरह के जूते पहने थे, रस्सी, इसके अलावा खाने पीने की सामग्री, कई सारी चीजें, फिर कैमरा भी, उन्होंने कई जगह कैमरा का भी जिक्र आया है, मूवी कैमरा, निकॉन कैमरा। तो इस तरह से आपको सामान की सूची बनाकर लिखना है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या तीन महत्वपूर्ण है, पता कीजिए कि कौन कौन सा भारतीय एवरेस्ट शिखर पर पहुंच गया है। तो तीन चार का नाम तो आप जान ही चुके हैं, आप पांच लोगों के, पांच पर्वतारोहियों के नाम लिखिएगा कि कौन लोग हैं जो एवरेस्ट शिखर पर अब तक सफलतापूर्वक चढ़ाई किए हैं। एक तो आपने कक्षा छठवीं में ही पढ़ा है, अरुणिमा सिन्हा, मेजर हरिपाल सिंह अहलूवालिया, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, इस तरह से अन्य और लोग हैं, उनका नाम लिखिएगा बच्चों, और किस साल उन्होंने चढ़ाई की। और इसी के साथ आपको पता चलेगा बच्चों कि कई सारे ऐसे पर्वतारोही हैं जो एक बार नहीं वरन चार पांच बार या उससे अधिक भी उन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। तो बच्चों आपको समझ में आ गया प्रश्नोत्तर, एक बार मैं फिर समझा रही हूँ कि कॉपी में क्या लिखना है। प्रश्न संख्या एक से पांच कॉपी, बाकी पुस्तक में आप लिखिएगा अनुमान कल्पना कॉपी जो कि हो चुका है। भाषा की बात, प्रश्न संख्या एक पुस्तक में लिखना है, प्रश्न संख्या दो कॉपी में लिखना है, प्रश्न संख्या तीन आपकी कॉपी में लिखना है, जीवन मूल्य भी कॉपी में लिखना है। कुछ करने के लिए प्रश्न संख्या एक पुस्तक में, प्रश्न संख्या दो और तीन आपको कॉपी में लिखनी है। तो बच्चों आप सभी कोशिश कीजिए कि अपनी अभिव्यक्ति कौशल को दिखाइए, क्योंकि आप कई बार दूसरों की कॉपी से देखकर लिखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने से सोचिए, आपके विचार सर्वोत्तम होते हैं। मैं आपकी कॉपी पढ़ती हूँ और उस पर रिमार्क्स भी देती हूँ, तो अपने सर्वोत्तम विचार को, अपनी अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाइए और सुंदर शब्दों में सभी उत्तर को लिखिए। धन्यवाद बच्चों।